नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7। बड़ी खबर आ रही है देवरिया जिले से, जहां एडीएम प्रशासन के बिगड़े बोल, सपा महिला जिला अध्यक्ष को जूते मारने की धमकी दी। यह खबर यूपी के देवरिया जिले से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब सपा समर्पित जिला पंचायत प्रत्याशी प्रतिनिधि अपना सर्टिफिकेट लेने पहुँचा। आरोप है कि हमें जबरन ऑफिस से बाहर किया गया और मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद प्रत्याशी प्रतिनिधि धरने पर बैठ गया, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं कि एडीएम साहब प्रत्याशी प्रतिनिधि को कैसे धमकी दे रहे हैं। साहब इतने में नहीं रुके, उन्होंने वहां मौजूद सपा महिला जिलाध्यक्ष शोभा यादव को भी चार जूते मारने की धमकी दे डाली, जो जिले में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि प्रत्याशी प्रतिनिधि बैतालपुर दक्षिणी 16 से सपा समर्पित प्रत्याशी है, जो जीत के बाद अपना सर्टिफिकेट लेने कलेक्ट्रेट पहुंचा था। देखिए देवरिया से रवि प्रकाश की रिपोर्ट। ये सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है आपका, क्या मामला है पूरा? देखिए रात में भी हमारी बैतालपुर से प्रभा भारती वार्ड नंबर 13 से जिला पंचायत जीती हैं, गौरी बाजार से अंकिता यादव वार्ड नंबर 17 से, और राजेश यादव रुद्रपुर से जिला पंचायत जीते हैं। जब हम लोग गए अमरा चौरी तो उन्होंने कहा कि आपकी फाइल भेज दी गई है। जब यहाँ हम लोग आए तो यहाँ लोग कहे, एडीएम कहे कि वो तो आपकी फाइल गायब हो गई है, अभी जो है हम मंगाते हैं। तो रात में हम चले गए 10 बजे रात को, सुबेरे प्रभा भारती गई है तो कही है दीदी मेरी फाइल नहीं मिल रही है। आए हैं तो हम राजेश यादव मिले हैं तो कहे कि अध्यक्ष जी थोड़ा चलिए चला जाए और पूछा जाए कि फाइल कहाँ है हम लोग की। तो जब तक हम गए खाली पूछे हैं सर क्या हुआ, तब तक राजेश यादव को ऑफिस में जीव ढूके त्यों एडीएम जो है निकाल के उनको फेंक के बाहर और थप्पड़ से मारने लगा है, उसके बाद से अंदर से डंडा निकाल के और लगा है भांजने और गाली गुप्ता कि तुम साले जो है रात से परेशान कर दिए हो। तब तक वो बैठ गए धरना पे, जब हम बोले हैं तो इथी कह रहे हैं कि सर मारिए मत उनको, तब बोल रहे हैं कि तुमको भी चार जूता मारेंगे। बताइए एक महिला की हम लोग की इज्जत नहीं है, और जो है मैं जो है मांग करती हूँ एक महिला के नहीं पूरी महिलाओं के साथ जो है अभद्र बोले इनके साथ जो है एकदम न्याय इथी होना चाहिए, इनके साथ जितनी कड़ी की कड़ी सजा होनी चाहिए उतनी मैं जो है मांग करती हूँ अपने मीडिया भाई लोग से कि एक महिला का जो है बहुत बड़ा जो है इथी अपमान हुआ है। सुबह से हम घर भी नहीं गए, अपने हम कार्यालय में अपने बैठे हैं, और जो मांग करती हूँ हमारे जितने समाजवादी पार्टी के जितने हमारे भाई हैं सब लोग हमारे साथ रहे और इनको जो है सबक सिखाना है, और डीएम साहब से भी मांग करती हूँ कि इनको तत्काल जो है इनके पद से एकदम जो है बर्खास्त किया जाए। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आपके साथ गुंडे लोग वहां कोई नहीं था। हम सुबेरे 6 बजे बताइए जब सो के हम आए तो गुंडे कहाँ से रहेंगे, हम थे और हमारा जो है बाबू था और प्रभा भारती थी, अंकिता यादव थी, राजेश यादव थे। ये जो है वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि गुंडा नहीं थे, ये तो अपनी बात छिपाने के लिए कह रहे, उनके हाथ में वीडियो में लाठी भाज रहे हैं। जूता मारने की बात आ रही है, ठीक है ठीक है। एक्चुअली उसमें हुआ क्या है कि वार्ड नंबर 16 की काउंटिंग हो गई, काउंटिंग होने के बाद परिणाम आरओ के द्वारा यहां पर उपलब्ध कराया गया, जिससे गणना शीट तैयार करके रिजल्ट के डिक्लेरेशन की प्रोसेस की गई। इस दौरान एक पक्ष जो है जिनके ये पति हैं, इनको भी तरफ कैमरा कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा, इनको भी आ जाएं, ये प्रत्याशी के पति हैं, इन्होंने ये आरोप लगाया कि साहब हमारे जो है प्रत्याशी को जितना वोट मिला, ये भी आ जाएगा भैया अभी हम ले लेंगे उनका, जितना वोट मिला है वो उतना वोट वहाँ दिखाया नहीं दे रहा है और हमारी पुनः एक बार दिखवा लिया गया। मैंने इनको इनके प्रेजेंस में एक बार पुनः जो हमारी गणना शीट थी उससे और जो हमारा रिजल्ट तैयार हुआ उससे मिलान करवा लिया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं था। इसके बाद ये तुरंत बाहर निकले और यहाँ धरने पर बैठ गए, कहीं मिट्टी का तेल लाओ मैं अपने ऊपर आग लगा लूँगा। ये अननेसेसरली आरओ के ऊपर अनधिकृत रूप से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। इनके साथ करीब 20-25 गुंडे टाइप के लोग एकदम से यहाँ पे आ गए, उस समय पुलिस फोर्स भी मौजूद नहीं थी, 2-3 कॉन्स्टेबल थे। एज ए मजिस्ट्रेट मुझे चार्ज लेना पड़ा, मैंने यहाँ से भीड़ को हटाया, 2 पुलिस कॉन्स्टेबल की मदद से किसी तरीके से भीड़ को हटाया,
इनको भी मैंने उठा, हमने कहा आप यहाँ से उठिए, यहाँ धरना देने का कोई स्थल नहीं है। जो भी बात आपको कहनी है, परिणाम घोषित, अभी परिणाम घोषित भी नहीं हुआ था, तो जो परिणाम घोषित हो जाएगा उसके बाद ही आप कोई बात अपनी कह सकते हैं। सर, अभी हमें घोषित करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देरी इसलिए हो रही, इन्होंने ही आरोप लगाया था कि साहब हमारा जो बूथ पे जो वोट है वो हमें नहीं दिख रहे हैं, तो इनके सारे जो उसको बोलते हैं फॉर्म 49 वो पुनः मंगाया गया। रात में सब लोग सो चुके थे, पुनः आरओ को बुलाया गया, आरओ को भेजा गया बैतालपुर ब्लॉक से, वो पूरा 49 लेके आए, उससे फिर मिलान किया गया, एक एक बूथ का मिलान किया गया और संतुष्ट होने के बाद परिणाम को जारी किया जा रहा है। तो इनके द्वारा यहाँ पर आरओ के ऊपर अनधिकृत दबाव बनाने का प्रयास किया गया। इनके साथ एक महिला थी, वो महिला भी मेरे ऊपर अभद्रता करने लगी, मेरे ऊपर आरोप, मतलब मेरे ऊपर धक्का देने के लिए मेरे ऊपर आगे बढ़ी। मैंने उससे कहा कि आप पीछे जाइए, उसने कहा कि क्या आप मुझे मारेंगे, ऐसा उसने मुझे उत्तेजित करने का प्रयास किया। इसमें दिखाई दे रहा है कि आप डंडा लेकर दौड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, उसकी बात आ रही है। तो उधर भीड़ थी, दोनों तरफ भीड़ थी। जी जी। तो मेरा काम है, मैं आरओ हूँ, मेरे को यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर करना है। यहाँ पर अननेसेसरली भीड़ इकट्ठा होकर आरओ के ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा था। सर, कई जगहों पे जो है मतगणना में गड़बड़ी मिली है? नहीं, हम कई जगहों की बात नहीं करेंगे, सब लोग यहीं पे तो आ रहे हैं। मैं यहाँ पर सभी लोग यहीं मुख्यालय पंचायत की बात कर रहा हूँ, जिला पंचायत की। नहीं, मैं जिला पंचायत का आ रहा हूँ, तो केवल मैं जिला पंचायत की बात नहीं, जिला पंचायत की नहीं। हमने विकास खंडो में कोई परिणाम में देरी नहीं हुई, आप सब लोगों को पता है, नेट पे सारे परिणाम समय से फीड किए गए हैं, वो आप नेट पे टाइमिंग भी देख सकते हैं। सर, जो मैं एक बात बताना ये चाह रहा हूँ कि वो महिला ने स्वयं मेरे ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया, मैंने उसको पीछे किया, उसके बाद ये हुआ कि क्या आप मुझे मारेंगे, वो महिला अपना महिला होने का एक गलत दुरुपयोग उठाना चाहती थी। मैंने उनसे कहा कि हाँ जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ भी हटाने के लिए मुझे करना पड़ेगा, मुझे यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट नहीं करना था, सिर्फ इतनी बात। थैंक यू। वार्ड संख्या 16 के पति प्रत्याशी हैं, और मेरा जो गणना था वहाँ जो काउंटिंग किए थे, जो अपने एजेंट द्वारा लिखवाया था 2637 वोट, और यहाँ आरओ साहब के हमारा वो हो रहा था 1400 वोट। इनके द्वारा जो जिससे घोषित करेंगे उसमें उन्होंने 1400 वोट लिखा था, जो मैंने अपना देखिए सीट लिए हैं, सीट बूथ वाइज एकदम, और बूथ नंबर से डाल के जितना हमको मत मिला है उस मत के अनुसार ही हमने उनको दिए हैं, इसे आप मिलान कर दीजिए। और अभी तक मेरा मिलान नहीं हुआ और मुझको ऑफिस से धक्का दे के बाहर और गाली दे के बाहर धकेला गया है। किस वार्ड से प्रत्याशी है, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है राजेश यादव, वार्ड संख्या 16 बैतालपुर दक्षिणी से हम प्रत्याशी हैं। और देखिए मेरा एकदम एक्चुअली है, इसे न मिलान हुआ और न कुछ हुआ, प्रत्याशी घोषित कर दिया गया जबरदस्ती, और कल शाम को बिना घोषणा के प्रत्याशी को अंदर घुसा के उनसे बातचीत हुआ, उनको प्रमाण पत्र देने का कार्य जारी हो रहा था, तब तक हम अंदर जाके वहाँ विरोध जताए तो उनको बाहर निकाला गया, और निकाल के हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और जबरियन हराया जा रहा है।